हेलो गाइस दिस इज मोहित तै और आज का अपना टॉपिक है री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर री एबजॉर्प्शन ऑफ वाटर वाटर की एब्जॉर्प्शन की जरूरत क्यों पड़ी अपन को पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है वन ट्वेंटी एम एल पर मिनट इतना होता है ठीक है और पर डे में कितनी हो जाती है एक सौ अस्सी लीटर पर डे अब अपन की बॉडी में कितना होता है लगभग पाँच से छः लीटर ब्लड तक होता है इतना ब्लड होता है ठीक है तो इसमें कितनी क्वांटिटी होगी कुछ मतलब वाटर की ज़्यादातर नाइन्टी परसेंट तो वाटर ही होगा ठीक है नाइन्टी परसेंट से भी ज़्यादा वाटर हो रहता है तो इतना ज़्यादा वाटर है अब मान लो इसने में भी पाँच से छः लीटर है तो इसमें चार लीटर वाटर मान लो तो चार लीटर वाटर बॉडी में है और निकल रहा है एक सौ अस्सी लीटर तक बाहर निकल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो इसको क्या होता है इस लॉस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं जो फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट में से जो अपन का वाटर होता है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं ठीक है तो सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है रीएबजॉर्बसन थर्ड पहला अपन ने क्या पढ़ लिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे पहले अपन ने ब्लड का फिल्ट्रेशन किया फिर उसके बाद अपन उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको अपन क्या करेंगे रीअब्जॉर्ब करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे जो भी अपन को ऐसे सब्सटेंस लगने होंगे कि ये काम के नहीं है तो उनको क्या कर देते हैं उसमें सिक्रीट कर देते हैं तो सेकंड स्टेप देखते हैं री तो री किसका देख रहे हैं वाटर का री ऑफ वाटर अकाउंस फ्रॉम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्विटेड ट्यबूल इन कलेक्टिंग डक्ट तो कहाँ कहाँ पर होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल्स एंड इन कलेक्टिंग डक्ट मेन तो होता है कलेक्टिंग कलेक्टिंग डाक प्रोडेस्टल कॉन्विटेड टीब्यूल्स में इसमें इस तरह से हो जाता है कि अपन को वाटर का रीअब्जॉप्शन नहीं करना था लेकिन किसी एक कंपोनेंट का रियऑब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो वाटर का साथ में रियब्जॉर्प्शन हो जाता है ठीक है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल इसको कहते हैं ओब्लीगेटरी वाटर रियअब्जॉर््शन ऑब्लीगेटरी मतलब उसका नहीं करना था उसके साथ साथ हो गया किसी का इट इज़ टाइप ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन प्रोक्सिमल कॉन्विटेड टीब्यूल विच इज सेकेंडरी टू सोडियम रीअब्जॉप्शन मतलब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे उसके साथ साथ हो गया है ये साथ में वैन सोडियम इज़ रि फ्रॉम द टिब्यूल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है मान लीजिए ये अपन की टिब्यूल है यहाँ से ये अपन का फ्लू जा रहा है अब यहाँ से सोडियम रिअब्जॉर्ब हो गया ठीक है तो यहाँ पे क्या करेगा सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया यहाँ पर ठीक है तो अब पूरा पूरा का पूरा जो यहाँ पे क्या होती है कंसनट्रेशन कम हो गई डिक्रीज हो गई यहाँ पे इंक्रीज हो गई किसकी सोडियम की तो अपन को पता है कि जो वाटर रहता है जो अपन का एक तरह से कि जो वाटर है कम कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ आता है ड्यू टू ऑस्मोसिस तो ये वाटर अब यहाँ पे अपने आप रीऑब्जॉर्ब होने लगता है तो कॉज ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल टीब्यूल्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होने लगता है किसके किस में रीनल टीब्यूल में क्यों क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया था टीब्यूल में क्योंकि सोडियम क्या हो गया था ली हो गया था ठीक है तो ये ऑब्लिगेटेड वाटर रीअब्जॉर्बन है अब हम देखते हैं रिअब्जॉर्न ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉन्विट ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट इसको बोलते हैं अपन फैकल्टेट वाटर रियब्जॉर्प्शन ये अपन को इंपॉर्टेंट है इस तरह एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करके इसको रि जबरदस्ती कराया जाता है ठीक है अब वो फैसिलिटी किस तरह की होगी कुछ चैनल्स होते हैं अब चैनल्स किसके थ्रू काम करते होंगे कुछ हार, हार्मोन्स के थ्रू ठीक है तो ये देखने वाले हैं अपन लोग फैसिलिटी किस तरह की प्रोवाइड करी गई है और वाटर जबरदस्ती अपन रिअब्जॉर्ब करवा रहे हैं अकर्स बाय एक्टिविटी ऑफ ए डी एच एंटी डायोरिटिक हारमोन डाईरेटिक मतलब डायलूट करके निकाल देना या बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाना और उस पानी के लॉस को बचाने के लिए ये हार्मोन निकलता है एंटी डाई हार्मोन ठीक है नॉर्मली डिस्टल कॉम्यूटि टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट आर नॉट परमीबल टू वाटर नॉर्मली ये परमिबल नहीं होती हैं लेकिन प्रेजेंस ऑफ ए डी एच सेगमेंट्स बिकम परमिबल टू वाटर इट इज रीअबजॉर्ब लेकिन ए डी एच के प्रेजेंस में क्या हो जाती हैं ये परमिवल कर कर देते हैं वाटर को क्यों करती हैं वो देखते हैं अपन तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडीएस देखते हैं इंक्रीज वाटर एबजॉर्प्शन वाई स्टमुलेटिंग द वाटर चैनल्स कॉल एक्पोरेंस तो एक्पोरेंस जो वाटर चैनल होते हैं ये क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करवाते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन करवाते हैं किसके मीडिएशन में ए डी की वजह से ठीक है ए डी एच कम्बाइंड विद बेसोप्रेशन रिसप्टर इन ट्यूबुलर ऋपीथीलियम तो ये मान लीजिए अपन की ट्यूबुलर ईपीथीलियम में यहाँ पे ये है वी टू रिसेप्टर्स ठीक है बेसोपरेशन रिसेप्टर यहाँ पे कौन अटैच हुआ अपन का ए डी एच अटैच हो गया ठीक है टिविलालियम से ये क्या करता है एडीनालिट एडीनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है वो क्या करता है ये उसी वॉल पे पाया जाता है ठीक है इस मेम्ब्रेन पे पाया जाता है की इस वॉल पे पाया जाता है एडीनाइटिक साइक्लेस क्या करता है ये एडीनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट किया अब ये अबीनाइट साइक्ट क्या साइक्लिक ए एम पी ये अपन को पता है सेकेंडरी मैसेंजर होता है और ये क्या करते हैं अपन के एक कॉपोरेंस को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये हैं अपन के एक्वापोरेंस इनको एक्टिवेट कर देंगे और ये क्या करेगा वाटर का रीअबजॉपन करवा देगा तो इस तरह की ये मैकेनिज्म होती है सब तो उससे पहले एडीएच आया वैसे रिसेप्टर से कनेक्ट हुआ एडीनाइल साइक्लेस एक्टिवेट हुआ उसने सीएमपी निकाला साइकिले ए एम पी ठीक है उससे क्या हुआ एक्वापोरेंस एक्टिवेट हो गया वाटर का रीअबजॉर्प्शन हो गया तो ये फिफ्थ स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव तो इस तरह से एक्टिविटी होती है आप देख सकते हैं एडीएच एडीएच एच ए डी बी टू रिसेप्टर से जुड़ा एडीनाइ साइकिलेज को एक्टिवेट किया उसने साइकिल की ई निकाला ठीक है साइकिल के एम पी सेकेंडी के थ्रू काम करके एक्ोपोरेंस प्रोटीन को बोला तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कर दो तो, तो इस तरह से यह वाटर का रीअबजॉप्शन हो जाता है ठीक है तो ये अपन का वाटर रीअबज्जॉप्शन ये भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर तैयार कर लें और बिल्कुल छोटे से नोट्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं दो पेज तक बहुत है इससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि एक तो पेपर में टाइम नहीं बचता है और मेन कंटेंट आप लिख देंगे ना तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे ठीक है थैंक यू गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल